हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कौन हिंदू मुसलमान करता है आप बताइए, शुरू कौन करता है? हम राम मंदिर की बात करते हैं, हम राम मंदिर को विकास से जोड़ते हैं, 1,00,000 करोड़ का एक दिन में जो है भारत में जो है धंधा हुआ, एक दिन में जो बजट बढ़ गया, भारत का शेयर मार्केट बढ़ गया राम मंदिर की वजह से, उस पर तो ये लोग चर्चा करेंगे नहीं। हाँ, कहीं कोई आतंकवादी पकड़ा गया उसके समर्थन में रोना शुरू कर देंगे, कहीं कोई देश विरोधी ताकत जो है उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है 12 बजे खुलवा देंगे, तो कहीं नहीं तो कहीं जो है वैसा विपक्ष भारत में अब मजबूत नहीं होगा क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। आपको खींच के फिर वहीं लाते हैं। आपने एक चीज बोला बदलाव, 5-5 मुझे 10 बिंदु चाहिए। बिल्कुल पब्लिक फोरम में है ये सारी चीजें, लोग देख रहे हैं। 5 चीजें जो कि बिहार में अभी तुरंत बदलने की जरूरत है, ठीक है, और आप अपनी प्लानिंग भी उसके साथ जोड़ लीजिए और अपनी प्लानिंग भी बताइएगा विधानसभा चुनाव को लेकर कि आपकी प्लानिंग क्या हुई है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना भाई, ऐसा थोड़ी है। नहीं नहीं, ये अब इससे कह के बच नहीं सकते कि नहीं आज पहला दिन है और हम छोड़ देंगे, आज तुमको ABCD पढ़ाई नहीं, अब एप्पल पूछेंगे। अब जरा हमें बताइए 5 बिंदु वो बताइए कि एकदम रियायती भी जरूरत है कि अभी बिहार में इन चीजों को चेंज करना है, इनको बदलना है। देखिए, बाढ़ पे काम करने की जरूरत है, ठीक है, सख्त जरूरत है, पहला सख्त जरूरत है, और बिहार में जो शहर है उन शहरों को रिंग रोड की जरूरत है, कम से कम बिहार के 50 शहरों को रिंग रोड की जरूरत है, ठीक है, कम से कम 50 शहरों को। रिंग मतलब क्या होता है, गोला, और शहर को चारों तरफ से घेर दिया जाएगा तो ट्रैफिक कंट्रोल होगा। इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है। बिहार में जो पलायन हो रहा है, जो मजदूर बाहर जा रहे हैं, देखिए मैं रिंग रोड का रिंग रोड अगर बनेगा ना तो हर एक शहर जो है ना 10 से 15 हजार लोगों को रोजगार देगा, ठीक है, रोजगार देगा। तो जो पलायन हो रहा है, जो पलायन हो रहा है वो पलायन को रोकने की जरूरत है, और ये बात सत्य है कि बिहार से पलायन अप्रत्याशित रूप से हो रहा है, और 2.5 करोड़ लोग पलायन करते हैं, यानी हर 5.5 में से एक व्यक्ति पलायन करता है। चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए। चौथा क्या, ये 4 चीज, 3 देखिए, चौथा जैसे उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट बना, आपने देखा होगा भारत में, पूरे भारत में रिकॉर्ड बना दिया। गुजरात पहले नंबर 1 पे था, फिर महाराष्ट्र था, तमिलनाडु था, उत्तर प्रदेश का कोई नंबर ही नहीं था, वो उत्तर प्रदेश आज 21 एयरपोर्ट के साथ देश में नंबर 1 हुआ। बिहार में कम से कम एट प्रेजेंट टाइम 13,80,00,000 जनसंख्या है, 10 एयरपोर्ट की जरूरत है, 10 एयरपोर्ट की जरूरत है, ऑपरेशनल एयरपोर्ट, नॉट मतलब कि विदाउट ऑपरेशनल नहीं, ऑपरेशनल एयरपोर्ट, जिसमें रक्सौल हो सकता है, उसके बाद से पूर्णिया हो सकता है, उसके बाद से बेगूसराय एयरपोर्ट हो सकता है, उसके बाद से मतलब कि और भी बहुत सारा एयरपोर्ट हो सकता है, 10-3 और ऑलरेडी चालू है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगा। 4 हो गया, 5वां, यूपी में इस देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बना, एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी फास्ट हो जाती है, किसी भी राज्य की कनेक्टिविटी फास्ट हो जाती है, तो एक्सप्रेसवे जो है बिहार को एक्सप्रेसवे की सख्त जरूरत है, और अगर बिहार में कुछ एक्सप्रेसवे बन जाए, मतलब कि 2-3 एक्सप्रेसवे बन जाए, तो बिहार की कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये 5 हाँ, ये 5 बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बेसिक पॉइंट है, और ये जब 5 काम होगा ना तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीनों जो है इसके इसको फुलफिल करने के लिए, तो जैसे मान लीजिए कि बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, तो कंपनियां आएगी, तो आसपास में सड़कें चौड़ी होगी, तो सड़कें चौड़ी होगी तो स्कूल खुलेगा, बहुत सारा स्कूल खुलेगा, एनजीओ वाला भी स्कूल खुलता है, जैसे कुछ फंड जो होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो फंड जो है शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करती है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करती है, तो कुछ हॉस्पिटल भी खोलेगा, तो ये 5 चीजें। देखिए शराबबंदी, मैं तो मनीष में यहाँ रोकना चाहूंगा, ये नोट करके रखिए, शराबबंदी पर आएंगे। इन 5 के अलावा नीतीश कुमार बराबर ये कहते हैं कि बिहार का जो मॉडल है, विकास का मॉडल है, दुनिया उसे कॉपी करती है, पूरा देश कॉपी करता है, हर राज्य कॉपी करना चाहता है, यहाँ पर आपकी जितनी बातें उत्तर प्रदेश से कॉपी करने की सीख दे रही हैं, ऐसा क्या दिक्कत है? योगी जी से सीखने की जरूरत है हमें, मोदी जी से सीखने की? हम तो गुजरात मॉडल भी कह रहे हैं, गुजरात में इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, इतने सारे एयरपोर्ट, बिहार मॉडल, बिहार को उस स्तर पे पहुंचने में वक्त लगेगा। हाँ, ये बात सत्य है,
मैं अगर ऑन कैमरा पहले ही दिन झूठ बोलूं तो लोग बोलेंगे मनीष जरूरत है, मतलब जरूरत है कुछ पहले दिन सच बोलना, पहले नहीं नहीं हमेशा सच बोलूंगा, आगे आगे धीरे धीरे जैसे परिपक्व हो जाए तो नहीं गीता मंगा लेंगे आपके लिए, गीता मंगा लेंगे शपथ दिलवाएंगे, वो मेरे दिल पे हाथ रखवा के जो है वो बोल दीजिएगा, मैं मतलब डेवलपमेंट की जरूरत है, सख्त जरूरत है। और अभी बिहार को जो है ना, बिहार मॉडल से ज्यादा जो है गुजरात मॉडल, यूपी मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल, ये सारा मॉडल अपनाने की जरूरत है, ये बात सत्य है और ये अटल सत्य है। चलिए, बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज जरूरत ही नहीं? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो अति उत्तम, मिलना चाहिए, हम लोग उसके लिए कोशिश करेंगे, एकदम बिल्कुल कोशिश करेंगे, लेकिन विशेष पैकेज की तो सख्त जरूरत है, वो तो सख्त जरूरत है, लेकिन विशेष राज और विशेष पैकेज से ज्यादा जरूरत है कि एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशन कंपनी जो है वो बिहार में आए और इन्वेस्टमेंट करे। और वो इन्वेस्टमेंट कब करेगा? जब हमारा एक्सप्रेसवे बनेगा, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी होगी, जैसे एयरपोर्ट बनाना होगा तो कोई बड़ी कंपनी आएगी, अडानी इंफ्रा है या गेमन इंडिया है या टाटा है या L&T है, कोई बड़ी ही कंपनी आएगी, तो सबसे पहले जो है हम लोगों को सख्त जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की। और जिस दिन बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ 5 साल के अंदर अंदर यूपी और गुजरात के टक्कर में आज इनकी सारी बात माफ होगी बीजेपी की तरफ से, क्योंकि जो चीजें बीजेपी के लीडर कहते हैं उनसे आप थोड़े यहाँ पर डिफर कर रहे हैं, क्योंकि जब डेवलपमेंट की बात होती है तो नीतीश कुमार चारों तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि ये डेवलपमेंट है, पुल पुलिया बन रहा है, ये बन रहा है, वो ठीक है, बीजेपी वाले भी सपोर्ट करते हैं। हाँ, नीतीश जी अभी हाल में विजय सिन्हा ने कहा है, नीतीश कुमार की बहुत तारीफ की, यहाँ पर मैंने भी तारीफ किया है, किया है, यहाँ पे थोड़ी सी लिबर्टी इन्हें मिलेगी, आज मिलेगी, मिलेगी बिल्कुल, ये थोड़ी लिबर्टी इन्हें मिलेगी आज, मैंने इसके सब घबराइए मत, मिलेगी पूरी। हाँ, अभी आज पूरी तरह से नेता नहीं है आज, लेकिन ये लग गया आपके ऊपर स्टाम्प लग गया है कि आप बीजेपी के लीडर हैं, बीजेपी नेता। लेकिन मैं अपने दिल की बात कर, बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए आप जाने जाते हैं, ये दिल की बात मनीष कश्यप करते हैं, इसीलिए मनीष कश्यप के इतने लाखों फॉलोअर हैं। बिल्कुल, मनीष कश्यप के साथ वो जो जन नेता वाली बात, और ऐसे लीडर्स की जरूरत थी बीजेपी को, बीजेपी ने हथिया लिया इनको, समय रहते ही कहा कि नहीं अब आइए, हो गया, मैं सही जगह पे चला गया, आप सही जगह, हाँ मैं सही जगह, लेकिन आप उस सही जगह के लिए बीजेपी के आमंत्रण निमंत्रण का इंतजार कर रहे थे कि भाई निमंत्रण मिली तब जाए, नहीं पर वो तो मतलब कि जो भी होता है समय के साथ सब कुछ सही होता है। और अब माँ खुश है? माँ पिछले 2 साल से मुस्कुराई नहीं थी किसी भी वीडियो में, इंटरव्यू में आप लोगों ने नहीं देखा होगा, हर माँ चाहती है कि जैसे आपकी भी माँ, आपकी 2 माँ होगी, एक सासू माँ होगी और एक माँ, वो दोनों माँ चाहती होगी कि आप हमेशा सदा खुश रहें, आपकी भी 2 माँ होगी, दोनों माँ चाहती होगी कि आप सदा खुश रहें, मेरी एक ही माँ है। नहीं नहीं, आपका तो आज दिल जो है ना, आज किसी सवाल हम पूछने वाले हैं, नहीं आपका जो आज दिल है ना, ऑफिशियली एक माँ है, ऑफिशियली तो लाखों करोड़ों माँ है, सभी की माँ हमारी माँ है भाई, भारत माता है। हाँ, और आज का आज आपका दिल देख के लग रहा है कि यार बिल्कुल लोटस लोटस आपका दिल है, और पूरा आप लग भी रहे हैं कि आप भगवा में एकदम रंगे हुए। एक सवाल, मनीष